एंट्रेंस सेरेमनी के बाद आज पहला दिन था। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम को अभी 287 दिन बाकी हैं। आज का दिन बड़ा ही मैजिकल सा था। मैंने जुआन की पैंट फाड़ दी। मुझे लगा कि वो बहुत नफरत करेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने टीचर को मुझे माफ करने को कहा। हालांकि उसने कहा कि उसने मेरी मदद करने के लिए नहीं बोला, लेकिन फिर भी मैं उसे थैंक यू कहना चाहूंगी। मेरी कंप्लेन ना करने के लिए थैंक यू। इसे रखने की सही जगह कौन सी है? अब आखिर मैं इसे रखूं कहां पर? सर, अभी हम सुरक्षित हैं। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं कैसे तुम्हारा एहसान चुका हूँ? एक काम करो, तुम मेरे हो जाओ। आज तुमने मुझे चोर का पीछा करते हुए देखा और मैंने तुम्हारी पैंट फाड़ दी। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत रूड हूँ। मैं जेंटल नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ और बहुत ही बेवकूफ हूँ। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें मरहम लगाती हूँ। माँ, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या? दस या अरे बाप रे, अरे अब मैं दादी मेरे से काट लो। नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, इतना अर्जेंट भी नहीं है। पर तुम्हें देखकर तो लग रहा है अर्जेंट जरूरत है। जुआन के सामने मैंने खुद को ऐसे कैसे दिखने दिया? आखिरकार आज हो क्या रहा है? जहां जुआन को नहीं होना चाहिए वहीं पर वो कैसे पहुंच रहा है? आज सुबह मैंने उसे स्कूल में घुसते हुए देखा है ना। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उसी वक्त वो स्कूल के गेट पर था और अभी सुपरमार्केट में बिल्कुल वैसे ही? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? Oh.
पापा आप आ गए। जुआन हाँ तुमसे कुछ बात करनी थी, आओ बैठो। जुआन स्कूल में जो कुछ हुआ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसी कोई जरूरी बात नहीं थी। नंदू मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तुम्हें नॉमिनेट किया गया है और पूरे कंट्री में बेस्ट मेडिकल एकेडमी है वो, इतनी बड़ी बात। मुझे लगा कि आज सुबह जो हुआ उस बारे में आप बात करना चाहते हैं। तुम मिस्टर गियू की बेटी के बारे में बात कर रहे हो है ना? भूल जाओ, मिस्टर गियू बिल्कुल बेवकूफ है और उसकी बेटी का भी दिमाग खराब है। गियोजामा का दिमाग खराब नहीं है, वो बहुत अच्छी है। क्या कहा? कुछ नहीं। पापा देर हो गई है, आपको सो जाना चाहिए, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ठीक है सो जाओ। हे रुको तो, जुआन मैं कुछ सालों से बिजनेस में बिजी था इसीलिए मैं तुम्हारे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। जानता हूँ तुम भी मेरे बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ चाहती थी कि तुम US में पढ़ो लेकिन मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर पढ़ते रहो। और तो और अब नंदू मेडिकल यूनिवर्सिटी में टीचिंग फैसिलिटीज़ हैं, टीचिंग मेथड फुली प्रोफेशनल्स हैं, तुम्हारे अंकल तुम्हारी मॉम और मैं यहीं से ग्रेजुएट हुए हैं। मैं जानता हूँ लेकिन। लेकिन क्या? कुछ नहीं, आप सो जाइए। हाँ तुम भी सो जाओ। दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। जुआन जीतूंगा देख लेना। देख नहीं नहीं मैं जीतूंगा देखना। इधर इधर अरे 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 तुम इधर ध्यान दो, इधर लाओ इधर लाओ। रुक जा रुक जा, गाना मुझे खेलने दे। अरे मुझे भी सिखा, कुछ नहीं आता क्या? ये देखो। ओह अरे यार तुम तो बिट गए, फिर से चालू कर देखते हैं। हां इधर इधर ला। कुछ हुआ है क्या? मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हें ये पैसे कैसे वापस करूं मैं? सुनो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी ये दो छोटी वाली हेयर कट पहले से बहुत अच्छी है। मुझे मत छुओ। गियोजामा गियोजामा एक्चुअली मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जो मैंने कल पूछा था वही पूछना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? वो किताबी कीड़ा वो तुमसे कहा ना मैंने उसे किताबी कीड़ा मत बुलाना। आराम से आराम से, वो इतना ज्यादा पढ़ता है कि दूसरा इंसान पागल हो जाए तो मैं उसे किताबी कीड़ा क्यों ना बुलाऊं बताओ? और तुमने उसके बारे में डायरी में लिखा है, उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मानता हूँ कि वो किताबी कीड़ा पढ़ाई में अच्छा है
पर इसके अलावा बताओ किसमें अच्छा है वो? अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुमने पूछा जुआन इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि वो इतना हैंडसम है। हालांकि वो कम हंसता है, लेकिन जब वो हंसता है तब नॉवल के जेंटलमैन जैसा दिखता है, दूसरों की मदद करता है। वो बहुत सारी चीजों में अच्छा है और दयालु किस्म का लड़का है, इसलिए वो मुझे इतना पसंद है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी नॉवल से एक हीरो बाहर निकल कर आया है। निजमा, तुम बिल्कुल पागल हो कि तुम इतना बकवास कर रही हो। जुआन कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, समझ गई ये बात? और तुम कहती हो मदद करता है, तो मैं ज़ैन यू एक जवान खून हूँ, गरिमा और सम्मान के साथ मैं इस हाई स्कूल का रोल मॉडल हूँ, समझ गई? खुद को जरा देखो, तुम खुद को बहुत अच्छा समझते हो, है ना? जुआन तुम्हारी तरह बात नहीं करता, लेकिन पता है कल उसने टीचर से मेरे लिए माफी मांगी है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कल उसने तुम्हारी मदद की? वो बस अपने यूनिक स्टाइल के अंडरवेयर के राज को बस वो छुपाना चाहता था और कुछ नहीं। तुम बेवकूफ हो। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता। कम शब्दों में, जुआन बहुत अच्छा है, हर एक चीज में माहिर है। मैं मेरे मेरे बारे में क्या? तुम्हारे बारे में क्या? मैं कैसा हूँ? हम लोग बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स हैं तो। और हाँ, जुआन से मैं बिल्कुल कम नहीं हूँ। इट्स ओके, मेरी तारीफ करो, मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए बहुत बेताब हूँ। बोलो जानवी। मैं सच कहूँ तो? बोलो। नहीं, तुम तो सच में पागल हो। पागल? मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ पर क्यों? चलो एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? अरे कहाँ जा रहे हो? पागल। क्या बोला? मैंने बॉल पकड़ा इसलिए मैं पागल हूँ। जुआन, किताबी कीड़े, क्या चल रहा है? थक गए होगे अब, चलो बास्केटबॉल गेम खेलोगे? बताओ जानवी, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुमने कहा था ना कि ये हर चीज में अच्छा है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि कमजोर किसे कहते हैं। तो प्लीज जल्दी करो। बोरिंग। तो तुम मान रहे हो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते? सब लोग इधर आओ, मैं बस जुआन के साथ बास्केटबॉल खेलना चाहता हूँ, पर इसमें हिम्मत नहीं है। जानवी, गियुजियम्मा आज गवाह होगी ये। अगर जुआन मुझे डायरेक्टली बोल देता कि वो मुझे हरा नहीं सकता, तो मैं बिना खेले जीत जाऊंगा। जानवी, तुम पागल हो क्या? सबको बताए तुम बास्केटबॉल अच्छा खेलते हो, जुआन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं। ये तो पत्थर पे अंडे मारने जैसा है ना, तुम बस उसे बेवकूफ बना रहे हो। बिल्कुल सही। जुआन, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें अंडा नहीं कह रही, मेरा मतलब है कि वो तुमसे अलग है, उसके पास दिमाग नहीं सिर्फ ताकत है। तुम्हारे कहने का मतलब कि जुआन के पास दिमाग है पर ताकत नहीं? तुम सुनो, उसकी ताकत पढ़ाई है, हम उससे बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम में बैठना तो पड़ता है। जब मेरी ताकत की बात आ रही है तो ये खेलना क्यों नहीं चाहता? बताओ मुझे, क्या ऐसा करना सही है? बताओ सही है ये? बोलो तुम सब, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो सुनो, गेम में हमारे पास परफेक्ट आइटम नहीं होता, इसे कहते हैं स्पिरिट। मेरे साथ खेलने की इसकी हिम्मत नहीं है, लूजर हो, लूजर। जानवी, क्या तुम पागल हो? जानवी, तुम्हें क्या हुआ है? बकवास मत करो यहाँ पर। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दवाई खाती हो, दवाई खाती रहो, ठीक है? बचपन से ही मुझे इस बात से नफरत है, तुमने फिर मुझे वही बुलाया। तो फिर क्या करोगी? ठीक है जानवी, चलो मैं तुम्हें मिस जाओ के पास लेकर जाती हूँ। तुमने मुझे गलत नाम से पुकारा और जुआन को भी बुली किया। आखिर इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बास्केटबॉल खेलना बुली कहलाता है? जानवी, किसी चीज के लिए फोर्स करते हो तो उसे बुलिंग कहते हैं। मेरे साथ खेलने की हिम्मत नहीं है इसमें। अगर ये कायर बनना चाहता है तो बनने दो, वो खुद मान ले।
मुझे कायर बोलने वाले तुम कौन होते हो? मेरे साथ नहीं खेल सकते तो तुम कायर हो। रेडिकल मेथड, बदकिस्मती से मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये सब बोलकर खुद अपने आप को गिरा रहे हो। खेलोगे या नहीं, बस एक शब्द बताओ मुझे। ये सब बकवास तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? सानवी, चिल्लाने से बात अच्छी नहीं हो जाती। तुम इतने बोरिंग हो कि ऐसी बकवास कर रहे हो। योला, अपना काम करो। जम्मा, तुमने देखा ना, समय समाप्त हुआ और मैं जीत गया। इसमें मेरे साथ खेलने की हिम्मत नहीं है। उम्मीद करता हूँ तुम ये बात सबको कहोगी। इसे कहते हैं ज़ैन्यू और जुआन का बास्केटबॉल गेम। ज़ैन्यू बाय डिफॉल्ट जीत गया है, समझ गए सब लोग? ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज़ैन्यू, ये सब बंद करो। लेकिन किताबी कीड़े, तुमने भी कुछ जीता है। किताबी कीड़ा नाम के साथ साथ एक और नया नाम, वो है कायर। बिना खेले कैसे कह सकते हो कौन जीता? जुआन, स्टेडियम में मिलते हैं। हार कर भी इतना चार्मिंग बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? चलो चलकर देखते हैं। हाँ, हाँ, चलो, हाँ, चलो चलो चलो। बात है वो मैं तुम जानवी को इग्नोर कर सकते हो। वो तुम्हें जानबूझ के इरिटेट कर रहा है। वो अपना घमंड तुम्हारे सामने दिखाना चाहता है। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है, बस मजाक के तौर पर। जानता हूँ तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें उसकी सोच का पता होगा। अगर तुम ये गेम नहीं खेलना चाहते तो मैं जाकर जानवी से कहती हूँ कि वो इस बात को यहीं पर खत्म करे। तुम्हें क्या लगता है, मैं हार जाऊंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ इसलिए वेट कर रही थी ताकि मैं गेम खेलने से मना कर दूँ? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आई थी। उस दिन पेमेंट करने के लिए थैंक यू। मुझे पैसे वापस देने का मौका नहीं मिल रहा था, तो ये लो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं। लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। अगर तुम्हें ये गेम नहीं खेलना है तो मैं जानवी से कहती हूँ। जानता हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं जरूर हार जाऊंगा, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना गुस्सा निकालने के लिए गेम खेलने की कोई जरूरत नहीं है। जीतना या हारना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने बचपन से बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है। मैं सम्मान के लिए लड़ती हूँ। तो मेरी बात का मतलब है ना? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं या वो? हाँ? कोई बात नहीं, तुम सच बोल सकते हो, मैं मान लूंगा। एक्चुअली जानवी बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, और तुम जितना मुझे पता है स्विमिंग के अलावा। क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि मैं नहीं चाहती कि ये गेम हो। समझ गया। अरे रुको, क्या समझ गए तुम? मैं तो समझी ही नहीं। यहाँ पर सारी ऑडियंस लगभग आ चुकी है, क्या हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर ले? जिनको लगता है जुआन जीतेगा वो इधर आ जाए, और जिनको लगता है जैन भी जीतेगा वो इधर आ जाए। क्या बोलते हो दोस्तों? ठीक है, ठीक है। तुम आखिर क्या चाहते हो? जुआन ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तुम फिर भी पब्लिक प्रेशर डालना चाहते हो? क्या बास्केटबॉल खेलने में स्ट्रेस होगा? हाँ, मैथ या फिजिक्स एग्जाम देने से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल, या एंट्रेंस देने में ज्यादा स्ट्रेस? ओए तुम दोनों। हे मोटे बंदर, यहाँ पर पीछे आओ। वो दोनों गेम खेलना चाहते हैं, हमें बीच से हट जाना चाहिए। तुमने सुना, जियाम्मा मुझे अच्छे से जानती है, और आज मैं तुम्हें डिग्निटी से हराऊंगा।
क्यों डर गए? दोबारा खेलते हैं। अब क्या फिर से डर गए? तुम अगर हर बार फाउल नहीं होगे तो मैं कैसे हार सकता हूँ? तुम हार जाओगे। मैं ये गेम जीतूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं जुआन, ये कोई बताना। जुआनवी, तुम खेल रहे हो या पीट रहे हो? अब भी खेलना चाहोगे? कहा था ना, आज सबक सिखा के रहूंगा। मैंने सियामा को समझा दिया है कि तुम पढ़ाई के अलावा और किसी में अच्छे नहीं। एक रैंडम बास्केटबॉल गेम ने भी तुम्हें रुला दिया है। अच्छा, तो तुम लड़ना चाहते हो? मैं बहुत डर गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि लड़ना किसे कहते हैं, है ना? और हाँ, अब से परफेक्ट स्टूडेंट बनने का दिखावा बंद करो। तू सीमा से दूर रहो और उसके लीग से भी दूर रहो। अरे बाप रे, तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम मुझे मारना चाहते हो। अरे नहीं, अरे रुको, अरे रुको, अरे अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो? अरे अरे स्टॉप दिस, अरे रुको, उसे जाने दो। मिसा, बास्केटबॉल कोर्ट में लड़ाई हो रही है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे रुको रुको रुको, झगड़ा मत करो। अरे अरे बोला ना, रुक जाओ। मैं इसे क्यों छोड़ूं बताओ? छोड़ो जुआन, तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो एक काम करते हैं, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी और फिर हम सब तुम्हें छोड़ देंगे। पागल हो गए हो क्या? अरे पीछे चलो, पीछे चलो, लूटो। यूज़ अम्मा, ये सब क्या है? खुद को जरा देखो तुम लोग। तुम लोग क्या बन गए हो? अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिसिप्लिन्ड। ये ग्रुप फाइट थी क्या? अगर किसी को पता चलेगा तो हमारे स्कूल की कितनी बदनामी होगी, तुम्हें पता है? पता है तुम्हें? सर, हम लोग लड़ नहीं रहे थे, हम लोग तो छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। यजमा, झूठ मत बोलो तुम। भूल गई मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था कि आखिरी मौका दे रही हूँ? मिर्ज़ाओ, सच में युज़ियामा की गलती नहीं है। युज़ियामा की गलती नहीं है तो मैंने उसे लड़ते हुए क्यों देखा, बताओगे? हमारे क्लास की जो बदनामी हुई है इसी की वजह से हुई है, लड़ाकू रानी कहीं की। मेरी बात सुनिए मिस ज़ाओ, आज ज़ियम्मा की कोई गलती नहीं थी। ज़ियम्मा वहाँ पे छोड़ाने गई थी, बाकी स्टूडेंट्स भी गए थे। जुआन, जब तक पूछा ना जाए जवाब मत दो। इसको बात क्यों नहीं करने दे रही? ये गुंगा थोड़ी है। जुआन नहीं, लड़ाई शुरू की थी, बताओ। ज़ैनवी, ये कौन सा तरीका है बात करने का? जुआन, मुझे तुम बताओ, क्या इसने पहले फाइट चालू की? ओके, मुझे पता है तुम सब रिस्पॉन्सिबल हो आज की फाइट के लिए। ज़ैनवी, तुमने स्टार्ट की फाइट? डीमेरिट पॉइंट। पर ऐसा क्यों? आप मुझे क्यों बोल रहे हैं मैंने शुरू किया? जुआन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? मैं ये सब नहीं मानने वाला हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। ज़ैनवी, अभी भी तुम बाज नहीं आए अपनी हरकतों से? हाँ, हम तुम्हें हैंडल नहीं कर सकते, देखते हैं तुम्हारे पापा हैंडल कर पाते हैं या नहीं। पुलिस भी बुला लो, मैं नहीं डरता। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ज़ैनवी उधर जाके खड़े रहो। मैंने लड़ाई शुरू की। जुआन, रंगजिया, क्या हुआ था बताओ? वो लड़ाई मैंने शुरू की थी, आई एम सॉरी। सही कहा, जुआन ने ज़ैनवी को पहले मारा, हम लोग तो छुड़वाने गए थे, हम सभी इनोसेंट हैं। हाँ बराबर है। बकवास बंद करो। जुआन ने खुद मान लिया है तो फिर तुम दूसरों को क्यों खींचना चाहती हो? ठीक है जुआन, ये सीरियस डीमेरिट है। ज़ैनवी, ये नोटिस स्कूल में सर्कुलेट कर दो। डायरेक्टर वांग, जुआन को डिमेरिट नहीं कर सकते, उसे रिकमेंड किया गया है। अगर उसका ऐसा रिकॉर्ड होगा तो रिकमेंड कोटा उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो एकेडमिक्स में एक्सीलेंट होते हैं। तुम्हें लगता है ये ऐसा है? मैं बस यही समझ रहा हूँ, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम गलती करोगे तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इस बारे में खुद भी कभी सोचना। इस साल के बाद तुम 18 के हो जाओगे, तुम लोग एक एडल्ट हो जाओगे, तुम हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, खुद की लाइफ के लिए भी। अब तुम सब जाके ग्राउंड के 10 लैंप लगाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़ रहे थे या वहां पे खड़े थे। डायरेक्टर, यूज़ योर माउथ।
अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हो? मैडम, इस मैटर से ज़ियोमा का कोई लेना देना नहीं है। ज़ुआ, तुम अभी भी इस मैटर को सीरियस नहीं ले रहे हो। मुझे इस बारे में तुम्हारे पापा से बात करनी पड़ेगी। पहले अपने बारे में सोचो। ज़ियोमा, क्या हुआ तुम्हें? चुप बैठो। ज़ियोमा, जाओ यहां से। ज़ियोमा, 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 ज़ुआन, क्या ये सच में तुम हो? क्या तुम ही मेरा नाम पुकार रहे थे? ज़ुआन, क्या ये सच में तुम हो? मैं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। डॉक्टर ने कहा तुम्हें आराम की जरूरत है, और हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें ब्राउन शुगर वाटर भी पीना है। तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? हाँ, क्योंकि तुम अब जाग गई हो। मैं अब चलता हूँ, ये पानी पीना मत भूलना। हे, एक मिनट रुको। क्या हुआ? मुझे हॉस्पिटल विंग लाने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये जानवी की गलती है। उस पे ही सारा ब्लेम जाना चाहिए। उसने तुम्हें फोर्स किया वो स्टूपिड गेम खेलने के लिए। मुझे साफ साफ दिख रहा था तुमने जानवी को नहीं मारा था, उसने तुम्हें पहले मारा था। तुमने अपने सर इल्जाम ले लिया, सबने तुम्हें गलत समझा। अम्मा, एक बात बता दूं, मैंने जानवी की मदद नहीं की। मैं खुद से निराश था क्योंकि मैं गेम हार गया था, इसलिए मैं किसी को मारना चाहता था। सारी गलती मेरी थी। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये तो सच है कि जैन भी तुम्हें ब्लेम कर रहा था। हर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और आखिरकार तुम रुक गए थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कहा जाता है उन हीरोज को सब लोग पसंद करते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं, और अगर ऐसे देखा जाए तो इस पॉइंट पर तुम तो सबसे बड़े हीरो हो। तो मैं मार्शल आर्ट्स के दुनिया का देवता हूँ? वैसे अगर तुम चाहो तो। सही कहा, जीतना या हारना मायने नहीं रखता है। अच्छे से आराम करो, इन सब बारे में मत सोचो। और तुम मुझे नहीं जानती हो, मेरे लिए कुछ मत किया करो। क्लासमेट्स के आगे कोई जरूरत नहीं है। Thank you.
मिस्टर ग्यू, सच में मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं नहीं जानती थी कि ज़ुआन की तबीयत ठीक नहीं है। अगर मुझे पता होता मैं उसको उसके क्लासमेट्स के साथ दौड़ने नहीं देती। मैंने ही इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ज़ुआन को कम से कम 2 दिन आराम करने दीजिए। मैं बाद में लेसन्स मेकअप करवा दूंगी। नहीं, इट्स ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मिस जाओ, मुझे पता है कि ये आपको बहुत परेशान करती है, पर इस बार सभी क्लासमेट्स ने कहा कि ये फाइट वहाँ पे रोकने के लिए गई थी। आप समझ रहे हो? आई एम सो सॉरी। पापा, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिरकार हुआ क्या था? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि तुमने पहले लड़ाई शुरू की, ऐसा कैसे हो गया? मिस्टर ग्यू, डायरेक्टर, तुम भी अपनी बेटी को लेने आए हो? मिस्टर ज़ू, इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। ज़ुआन को एक प्रॉब्लम है, हम सबको इस बात की फिक्र है। अब देर हो गई है, बच्चों ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, अब पहले घर लेकर जाइए। डायरेक्टर ज़ू, आज के मैटर के लिए मैं ज़ुआन को बिल्कुल ब्लेम नहीं करती। सच कहूँ तो फॉल्ट जानवी की फॉल्ट थी, नहीं मेरी गलती थी, सारी गलती मेरी थी। अम्मा, तुम क्या बोल रही हो? ज़ुआन, मैनर्स भूल गए क्या? बीच में क्यों बोल रहे हो? ज़िम्मा, I'm so sorry. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िम्मा, तुम कहना क्या चाहती हो? सच कहूँ तो आज मेरी वजह से जानवी मेरी वजह से आज उसको भड़काया गया था, उसे बहुत उकसाया गया था। तुम मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तुम्हारी वजह से क्यों भड़काया था? मेरी वजह से? योजियम्मा, तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बात को बिगाड़ रही हो? ज़ुआन, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों इतना क्लोज नहीं है। ज़ुआन, आज तुम्हें हो क्या गया? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ग्यू अंकल भी सामने खड़े हैं, ज़िम्मा से माफ़ी मांगो। पापा, घर चलो। पहले माफ़ी मांगो। कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ग्यू, ये लड़का शायद थक गया है आज, मुझे माफ करना। ये भी आज थक गई है बहुत। तो चलो, हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय। मिस्टर ज़ू, ज़ुआन का मूड ठीक नहीं है अभी। उम्मीद करती हूँ पेरेंट होने के नाते आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। चलो अब मुझे बताओ, आज तुमने लड़ाई क्यों की थी? मैं आज गेम हार गया, इसलिए अपना आपा खो बैठा। तुम्हें बास्केटबॉल खेलना कब से पसंद हो गया? मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे सच में क्या पसंद है आप ये जानते तक नहीं है। बताओ। पापा, मैं नहीं बताना चाहता। भूल जाओ, दिमाग से हटा दो और ख़त्म करो ये सब। नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, पर खुद को बदलो और US जाने की तैयारी कर लो। गुज़ियोमा, तुम आखिर खुद को क्या समझती हो? ज़ुआन ने तुमसे कुछ 4 बातें क्या कर ली और थोड़ा सा हंस क्या लिया? तुम्हें क्या लगा कि तुम उसकी बहुत क्लोज हो गई हो? तुम्हें तो अपनी जगह पता ही नहीं है। देखो तुमने उसके लिए कितनी सारी मुसीबतें खड़ी की है। आखिर तुम क्या कर सकती थी?